हो तुम? पता नहीं क्या कह रहे थे चाचा साहब। वो ये कह रहे थे कि तुम कभी भी किसी की भी जान ले सकते। शादी से पहले नहीं पता था। मैं तुमसे डरती नहीं। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा ना करो कि तुम्हें मुझसे डरना पड़े। अनवर तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब संभालूंगा, मेरे को भी और उस लड़के को भी। शादी के बाद पहली बार बच्ची घर आ रही है और आप फोन पर लगे हुए। जल्दी आ, आ गया, आ गया भाई, आ गया। मेरी बेटी आ गई, मेरी मीरा बाकी। देखिए मीरा घर आई है, हमारी बेटी घर आई है। हम तो तरस गए थे तुम्हारी सूरत देखने को अपने घर में। तुम्हें इस घर में तस्वीर करते करते हम अंधे हो गए थे बेटा। तुम तो मेरा नूर हो। आज आज ही मुझे घर बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है। तुम्हारी आवाजें गूंजती थी इस घर में, जहां तुम्हारे बाबा की सुबह तुम्हारा चेहरा देखकर और तुम्हारी आवाज सुनकर होती थी, है ना? मीरा, बेटा पापा, आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची की तरह रहोगी ना, जो उंगली पकड़ के स्कूल जाती थी और गोद में चढ़ के वापस आती थी, और ये बढ़ चढ़ के फरमाइशें करती। अच्छा, फरमाइशें तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं उन फरमाइशों को। अरे ऐसा कब हुआ कि तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने नहीं दिलाया? यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं, भूल गए मेरे बाबा। अरे भूल गया होऊंगा, बताओ तो सही क्या मांगा था? याद नहीं है? आपको खुद पता है कि मुझे कितना शौक है वकील बनने का। एक दो दिन और इंतजार कर लेते।
अच्छा चले हम एक दो दिन इंतजार कर लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल उनकी तरफ से इनकार हो गया तो तुम्हारा बाप है ना, वो सबको मना लेगा। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है मगर उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। यस, बेस्ट 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 बाबा। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। मामा, मेरे रूम में मेरी एक भी तस्वीर नहीं है, सब हटा दें। तुम्हारी सारी तस्वीरें मैंने स्टोर में, बस इतनी वक्त थी। ये इंपॉर्टेंस थी मेरी इस घर में। आप लोग तो कहते थे कि मैं इस घर का नूर हूं और आप लोग के लिए रौनक। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोग मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे। मेरा कमरा सारा ही वीरान कर दिया। नहीं, मेरे पैसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारा सारा सामान हिफाजत से रखा हुआ है। कहाँ रखा है? स्टोर रूम में रखा है। मेरी उन तस्वीरों की जगह स्टोर रूम में थी। स्टोर रूम में क्यों रखा? कबाड़ियों को बेच देती ना, पैसे भी मिल जाते कुछ। नीरव, बात सुनो मेरी। तुम्हारा ये कमरा, ये तस्वीरें अगर मैं यहां से ना हटाती तो तुम्हारे बाबा किसी दिन इसी कमरे में मर जाते। तुम्हारे जाने के बाद हर वक्त तुम्हें याद करते रहते। खाना पीना सोना सब भूल गए थे। यहां इसी कमरे में तुम्हारी चीजें, तुम्हारी तस्वीरें झूमते रहते थे। वक्त में याद करके अंदर ही अंदर खत्म हो रहे थे। और तुमने अलग धुतकारा हम तो खुद ही इस बोझ तले दबे हुए थे। तुम्हारे बाबा हर वक्त यही सोचते रहते थे, यही सोचकर परेशान रहते थे कि हम तो तुम्हें इस खानदान के शिकंजे से बचा भी नहीं सके। और ऊपर से तुम्हारा ऐसा रवैया, अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो जाता मैं तो मर जाती। मेरा तो कोई भी नहीं इस दुनिया में। मैं क्या करती हूं उनके अलावा? क्या करती हूं, कहां जाती? से बोलेगा कि वही कातिल है।
जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो उसे सजा कैसे मिलेगी मलिक जुबैर को? उसके बाप ने कहा है कि वो खुद सच्ची गवाही देगा उसके खिलाफ। क्या तुम्हारी कोई बात हुई है मलिक से? नहीं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जानता हूं कि ये कत्ल उसी ने किया है। बेटा, भाभी बेगम ने बताया हमें आज तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोबारा तुम्हारी गोद भर देंगे। अगर भाभी बेगम हमें बता देती तो हम आ जाते। शायद उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि ये सिर्फ गलत फहमी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। स्लिप हुई थी तो मेडिकल रिपोर्ट में सब पता लग गया। एनीवेज, मुझे नींद आ रही है। आई होप आपने गेस्ट रूम रेडी रखा होगा अपनी मेहमान बेटी के लिए। हेलो सबा, मीरब, ये तुम बात कर रही हो? हाँ यार मीरब, तुम कहाँ गायब हो गई थी? और तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं। सबा, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं कराची आई हूँ। फॉर श्योर, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके, बस मैं आती हूँ। बीबी जी, ड्राइवर से कहूँ कि आपके लिए गाड़ी निकाल? नहीं सामाबाद जी, मैंने कैब बुक करा ली थी, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। मीरब, नीचे उतरो। ये क्या तरीका है? ये तंग तो नहीं कर रहा आपको? तुम अपने काम से काम रखो, समझ में आई तुम्हें? और तुम मीरब, नीचे उतरो और चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। अबे अगवा कर रहे क्या? मैं अभी पुलिस को कॉल। नहीं नहीं भाई, मैं जानती हूँ उन्हें। रोहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मीरब। क्यों कर रहे तुम मेरा इंतजार? मैं सबा से मिलने के लिए जा रही थी उसके घर। मिल लेना सबा से तुम, लेकिन अभी तुम्हारा मुझसे मिलना जरूरी है। रुहेल, प्लीज मीरब। जी भाई, ये लीजिए। क्या तरीका है रुहेल? चल मेरे साथ। ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत? मैंने कहा ना चल। पता नहीं कहाँ चली गई है मीरब, बता कर भी नहीं गई है। अरे मुर्द से उठेगा, मैं उससे क्या कहूंगा मीरब कहाँ गई है? कॉल करो उसे। जी मेरा फोन वापस करो रोहेल। अभी तुम किसी से बात नहीं करोगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तरीका है? फोन वापस करो मेरा। मैंने कह दिया ना मीरा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, मुझे तो सुन लो यार। बताओ क्या बात है? यहाँ नहीं, बैठ के बात करनी है तुमसे आराम से। फोन ही नहीं उठा रही।
अनवर ने मुझे मोहतात किया था, कहीं वो उस रोहेल से मिलने तो नहीं चली गई? अस्सलाम वालेकुम आकाश चाचा। वालेकुम सलाम। काइंडली मीरब को बुला दें प्लीज, हमें आज ही वापस निकलना है। लेकिन क्यों बेटा, तुम लोग कल ही तो आए हो और आज चले जाओगे? जी एक्चुअली कुछ काम भी है मुझे और मीरब भी जाना चाहती है। वैसे वो है कहाँ? बाहर गई है। कहाँ गई? बता कर नहीं कि मैं कॉल कर लेती हूँ, अभी पता चल जाए। सेकंड मैं कॉल करता हूँ उसे। उसका नंबर तो बंद आ रहा है। ड्राइवर को कॉल करता हूँ। वो जी मीरा बेबी ड्राइवर के साथ ही बल्कि टैक्सी में गई हैं। टैक्सी में क्यों? अब बता कर नहीं गई कहाँ गई है। वो किसी सभा से बात कर रही थी, हो सकता है सभा के घर पर गई हूँ। पर ये सभा रहती कहाँ है? आओ ना मीरा। रोहिल तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुमने कहा था हम रेस्टोरेंट जाएंगे। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है मीरा? रेस्टोरेंट में मैं और तुम अकेले थोड़ी। अकेले क्या करना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें देखना होगा। मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ। नहीं मेरे साथ चलो। रोहिल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं जाना। मेरे साथ चलो मीरा। रोहिल मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रही हूँ। मेरे साथ कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? रोहिल क्या है रोहिल? देखो देखो मीरा, देखो देखो मेरी दीवानगी, देखो मेरा प्यार, देखो हमारा साथ मीरा। तुम शायद मुझे अपना दोस्त समझती हो, लेकिन मेरे लिए तुम जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट, सब तुमसे जुड़ा है मेरा। मेरा तुम्हारे बिना यह जिंदगी बहुत अकेली सी थी, और आज जब तुम मेरे पास हो तो लगता है सब मुकम्मल हो गया। नीरव हाल देखो तुम अपना, नीरव उस घर में तुम्हारी जान को खतरा है, वहां से निकल आओ। कैसे निकलूं मैं और क्यों निकलूं? रोहिल मैं शादीशुदा हूं, मैं नहीं निकल सकती, और जो भी है
वो मेरा शौहर है और वक्त के साथ साथ मेरा ये रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। कोई भी रिश्ता मोहब्बत के सिवा नहीं होता मीरा, और मुर्तसिम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसके लिए तुम सिर्फ उसकी अना और गैरत का मसला हो। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने आप को एक कमजोर मर्द साबित नहीं करना चाहता। अगर वो ऐसा करेगा ना तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उस पर। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, ना ही मोहब्बत करता है। उसे सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी अना प्यारी है, तुम नहीं। मेरी बात मान लो, निकल आओ उस घर से। मैं नहीं छोड़ सकती उसे। मैं क्या कह के छोड़ूंगी, क्या कह के उस घर से निकलूंगी मैं? तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है? तुम्हारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है ना? हाँ। जबरदस्त मीरा, बस अब तुम सिर्फ इतना कह दो, शादी होते हुए भी तुम अब तक कुंवारी हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम मैं मुर्तसिम पे नहीं लगा सकती, जबकि शर्त भी वो मेरी थी। इल्जाम नहीं लगाने को कह रहा, तुम ये बात कह दो। मुर्तसिम इतना गैरतमंद है कि तुम्हें ये बात सुनते ही छोड़ देगा मीरा। सभा क्यों बार बार फोन कर रही है? सभा? मेरा इंतजार कर रही है कि फोन उठाओ उसका। मैं कह रही हूं फोन उठाओ। हेलो रोहेल, क्या मीरब तुम्हारे साथ है? हाँ। लेकिन वो तो मेरे घर आ रही थी। लेकिन अब वो मेरे घर पर है। मेरे फ्लैट पर। तुम्हारे फ्लैट पर? हाँ। और अब वो यहीं पर ही रहेगी कुछ देर तक। मैं उसे खुद तुम्हारे पास आकर ड्रॉप करूंगा सभा। और हाँ, एक बात और, किसी का भी फोन आए उसके घर से, क्या उसके शोहर का, तो उसको कुछ मत बताना। एक मिनट नहीं ठहरूंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगी मैं। नहीं मीरा, देखो ना, हम इतने दिनों बाद मिले, कुछ देर तो बैठो। मुझे यहाँ बैठ के तुमसे बातें नहीं करनी है। जैसे उनको पता चला ना, वो पागल हो जाएगा, वो ढूंढ रहा होगा बल्कि मुझे। अरे तो ढूंढने दो उसे, नहीं डरता मैं और ना ही तुम्हें जरूरत है डरने की। मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं उसके निकाह में हूँ, वो मेरा शौहर है। तो मीरा, इस चुंगल से बाहर निकलो ना, कब तक इस मिसमैच मैरिज में फंसी रहोगी तुम? मीरा थक जाओगी, और थक कर बैठने से बेहतर है खुद को आजाद करो, इस झूठी शादी को खत्म करो। मुझे मेरी पुरानी मीरा लौटा दो, वो मीरा जो आजाद थी, खुद मुख्तार थी। ये कौन है? तुमने किसी को बुलाया था? नहीं तो तुम यहां रुको, मैं देखता हूं। क्यों आए हो यहां?
अपनी बीवी के लिए आया हूं। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, और अगर है तो उससे पहले मेरी दोस्त है, मेरी क्लास फेलो है, मेरी मोहब्बत है। छोड़ो मुझे, मेरी बीवी है और क़यामत तक मेरी बीवी ही रहेगी। छोड़ो मुझे। मुलाकात हो गई तो चले। मेरा हाथ छोड़ दो, इस वक्त मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कह रही हूँ। नहीं मीरा, मीरा रुक जाओ। रोहिल मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। कहां रह गए ये लोग? जहां मेरा भूखे वही मुर्तजम होगा। बस दुआ करो कि रोहिल के पास ना गई हो। आप फोन करें ना मुर्तजम को, पूछें उससे। क्या करूं फोन करके, क्या पूछूं? कहां है मेरी बेटी, किसके साथ पकड़ा है उसे? शर्म नहीं आएगी मुझे। मीरा, कहाँ चली गई थी तुम? बताए बगैर चली गई, कितना परेशान हो रहे थे हम लोग। तुम सबा के घर गई थी। जी बिल्कुल वही थी। लेकिन फिर इतनी देर क्यों लगी? काम था मुझे, कुछ पुराना हिसाब किताब पूरा करना था।
मीरब अपने दोस्त के घर नहीं गई थी। आप कैसे कह सकते हैं? मुर्तसिम का चेहरा बता रहा है कि वो अपने रकीब को बहुत करीब से देख कर आया है। पता नहीं ये रोहेल हमारा पीछा कब छोड़ेगा, कहां से आ गया ये? जहां से भी आया है, आया मीरब के लिए है और मीरब को ही उसे दूर भेजना होगा। मैं बात करती हूँ मीरब से। नहीं, मैं खुद बात करूंगा, पूछूंगा उससे क्या चाहती है वो, क्या चाहती है वो। किसे फोन मिला रहे हो? फोन बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। से मैं बात नहीं करना चाहता। क्यों, शर्म आ रही है, डर लग रहा है? डर? मुझे? In fact, you're right. शर्म ही आ रही है क्योंकि तुमने तो शर्म छोड़ दी, तो मैं सोचा मैं थोड़ी कर लूं। पर तो सर वहां रोहेल के पास मैं खुद मिलने के लिए नहीं गई थी। वो तुम्हें जबरदस्ती ले गया? जी। तुम अपनी टैक्सी में जा रही थी, उसने तुम्हारी टैक्सी रोकी और तुम्हें अपने साथ बिठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, खुद बैठी खुद गई है, वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया। मैंने तुम्हें उसके घर में देखा है मीरा, उसके लिए तुम उसकी महबूबा हो। मुर्तसिम, मेरे किरदार पे उंगली मत उठाओ। पहले अपना किरदार बनाओ, क्योंकि मेरी नजरों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा। मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं होता जिससे तुम्हें शर्म आए। मैं सिर्फ बात पर बहुत खुश थी, सारे मोहब्बत कर रहा था, मेरे बारे में फजूल बकवास कर रहा था, तुम चुपचाप सुनाई थी। तुम्हारी बीवी नहीं है, और अगर है तो उससे पहले मेरी दोस्त है, मेरी क्लास फेलो, मेरी मोहब्बत है। रोहेल से मिलने गई थी? मुर्तसिम के मुंह से तो आपने सुन ही लिया होगा। उसने तुम्हारा भरम रखा है, और ना उसकी आंखें, उसका चेहरा बता रहा था कि वो तुम्हें कहां से लेकर आया है। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। तो फिर मुझे सही करो, बताओ मुझे कि तुम रोहेल। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। बाप हूं मैं तुम्हारा? आप मेरे बाप नहीं है। आप मेरे बाप नहीं है। मेरे बाप अनवर खान है।
जिन्होंने बहुत आसानी और बहुत बेदर्दी से मेरी पैदाइश पे आपको दे दिया। जब आपका दिल भर गया तो आपने मुझे छोड़ दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा एक शौहर है जिसकी तुम बीवी हो, इज्जत हो तुम उसकी। हाँ, तो फिर उसी का हक है मुझसे सवाल करने का। मैं उसी को बताऊंगी। को धुएं में उड़ा रहा है। अगर उसने तुम्हें रोहिल के साथ देखा है तो यह इसकी गैरत पे एक तमाचा है। और ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी इज्जत और गैरत की वजह से ही चल रही हो, उसे अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखना तो क्या तस्वुर करना भी उसके लिए मौत है। उसके बाद भी अगर वो फरामोश है, अपने गुस्से को पिए बैठे, तो वाकई तुम उसके लिए उसकी जिंदगी, उसकी गैरत, उसकी इज्जत से बढ़कर ही होगी बेटा।